हेलो फ्रेंड्स, नेचर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूनाइटेड नेशन को WHO से होने की सूचना दे दी गई है, अलग होने की सूचना दे दी गई है, ये है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी को पता होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने UN को ये बता दिया है कि वो WHO से अलग होने जा रहा है। और इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले ही कर दी थी। कोरोना वायरस के चलते WHO से काफ़ी नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो इसलिए WHO से अलग होने की बात कह दी गई है यूनाइटेड नेशन को। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कोरोना वायरस से, और तीसरे नंबर पर भारत है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 किसके द्वारा लॉन्च की गई है या प्रस्तुत की गई है। तो हमेशा ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यानी UNDP के द्वारा लॉन्च की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें काफ़ी कुछ जानने के लिए है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो इंडिया चौथा देश है या चार देशों में से एक देश है जिसने अपने यहाँ गरीबी को कम किया है। लगभग 280 या 270 मिलियन लोग लगभग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं भारत में। तो कुल चार ऐसे देश हैं जो गरीबी को कम करने में सफल रहे हैं। और टोटल अगर देखा जाएगा कि पूरी दुनिया में कितने लोग गरीबी से प्रभावित हैं, तो 1.3 बिलियन लोग लगभग गरीबी से प्रभावित हैं, और सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो अफ्रीका का प्रभावित है गरीबी से। तो आप इतना याद रख सकते हैं, फिलहाल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको लॉन्च किया है, हमेशा ही यही UNDP ही लॉन्च करता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्था की शोध में पाया गया है कि कर्कमिन हल्दी ये है, तो कर्कमिन हल्दी कैंसर की कोशिकाओं को मारने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, ये पाया गया है IIT मद्रास के एक शोध में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। IIT मद्रास के एक शोध में ये पाया गया कि कर्कमिन हल्दी कैंसर की कोशिकाओं को मारने में सक्षम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत की ऊर्जा बैठक संपन्न हुई है। तो फ्रेंड्स, ये संपन्न हुई है अमेरिका के साथ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके तहत ऑयल रिजर्व बनाए जाएंगे भारत में तीन राज्यों में, तो वो तीन राज्य कौन से हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इन तीन राज्यों में ऑयल रिजर्व बनाए जाएंगे, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेक्टर के विकास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है एस्पायर को। तो एस्पायर जो है इसके फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, ऑटोमोटिव सॉल्यूशन पोर्टेटेड फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है एस्पायर की। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एस्पायर लॉन्च किया गया है किस लिए, ऑटोमोटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, ये एक पोर्टल है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं को रक्षा क्षेत्र में शॉर्ट सर्विस कमीशन से स्थायी कमीशन देने की अनुमति दी है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब चला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हामी भरी कि महिलाओं को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही नहीं, उनको स्थायी कमीशन भी दिया जाना चाहिए। और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 वर्ष मैक्सिमम सर्विस कर पाती थी महिलाएं, लेकिन अब पूरी फुल सर्विस कर पाएंगी स्थायी कमीशन के चलते। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है बजाय इसके कि रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको औपचारिक अनुमति दे दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसको अनुमति दे दी थी। तो फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने भी इसको औपचारिक अनुमति दे दी गई है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।